नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी यस वीकली। मैम। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ है टाइगर पॉपची। नाम कहने के लिए अजय है और सच में इनसे जीतना बहुत मुश्किल है। इतने स्वीट हो ना आप कि सच में आप दिल भी जीत लेते हैं और आपको आपके स्वीटनेस की वजह से कोई हरा भी नहीं पाता है। एटलीस्ट मैं ये बोलती हूँ। कैसे हो? थैंक यू मैम। मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, एंड आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपको देख के और अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम बाद एक बार फिर से मिल रहे हैं हम लोग। और यस बताइए। मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मैम। ऑल गुड, एकदम मजा आ रहा है, बस जिंदगी बढ़िया चल रही है। क्या क्या करते रहते हैं दिन भर आप? एंड बहुत पेंडेमिक का सीन है तो काफी अभी बस ये कि फोकस है, म्यूजिक पे फोकस है, डांसिंग पे फोकस है, एंड लोगों से कनेक्टेड हूँ, उनको सोशल मीडिया के जरिए अपना डांसिंग दिखा रहा हूँ एंड अपना आर्ट पहुंचा रहा हूँ। एंड प्रैक्टिस चल रहा है, स्टडी चल रहा है कि बुक्स पढ़ना, कुछ नया सीखना है एवरीडे, बस लर्निंग चल रहा है। अरे वाह, आप मतलब आपको तो ग्रेजुएशन भी हो गया ना, आप फिर भी पढ़ रहे हो या मतलब क्या है ये? मैम मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था शहीद भगत सिंह अच्छा कॉलेज से दिल्ली में, तो उसके बाद मैं शो आ गया एंड देन मेरे को कॉलेज छोड़ना पड़ा था। यस मैम, तो तो मैं यहां अब से अब दोबारा से, यस मैम, मैं दोबारा से कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, चाहे वो यूट्यूब के जरिए हो, चाहे कोई भी इंस्पायरिंग लोग हैं जो बड़े बड़े जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया है, उन सबके बारे में जानता रहता हूँ, ताकि जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और इस टाइम पे मैं खुद के लिए वर्क करूँ और आगे जाऊँ। अरे बिल्कुल, जितने लोगों को आप सुनते पढ़ते हैं अपने आप को आप उतना यस अच्छा मैम, इंसान भी बनाते हैं। अब यस बताओ मैम, डांस के विषय पे क्या चल रहा है आपका? यस मैम। डांसिंग पहले से बेटर है, मतलब मेन इम्पोर्टेंट मेरे लिए ग्रोथ है कि मेरा डांसिंग ग्रो करे हर बार, मतलब अरे मजा और आए लोगों कितना को ग्रो मेरे। करवाओगे यार, दुनिया के बाहर निकलोगे क्या? यस मैम, मतलब अभी मेरा ड्रीम यही है कि मैं अब इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, तो इसलिए डेली प्रैक्टिस चल रहा है एंड जितना हो सकता है और अच्छा ग्रो, एंड नए नए म्यूजिक, जो नए नए म्यूजिक आ रहे हैं उनको सुनता रहता हूँ, उस पर आइडियाज ढूंढता रहता हूँ कि कैसा कॉन्सेप्ट हो सकता है, कैसे आइडियाज निकल सकते हैं और कितना बेस्ट दिखा सकता हूँ। बेस्ट चल रहा है, मजा आ रहा है बिल्कुल। ओके यार, एक बात यस बताओ, मैम, अब घर वालों से दूर हो, यस खाना पीना आप खुद बना रहे हो कि कुछ? हाउ डिड यू मैनेज, कैसे बना रहे हो? रोटी सब्जी क्या कर रहे हो? मैम, मेरे को 2 मंथ्स हो गए हैं बॉम्बे में शिफ्ट हुए, एंड जब से मैं बॉम्बे आया हूँ तब से मैं खुद खाना बना रहा हूँ। घर में किचन है, गैस है और चूल्हा है, तो खुद ही कुकर में चावल लगाना एंड खुद ही दाल कुकर में डाल के बनाना, और मतलब एक डिसिप्लिन होता है लाइफ का कि अब समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है कि अकेले रह के मेरे को सुबह मॉर्निंग उठ के खुद के लिए खाना बनाना, कॉफी बनाना, एंड वो जो आज 2 मंथ्स हो गए और मैं मतलब खाना बनाना ही बहुत अच्छा सीख गया हूँ। बनाते बनाते और अरे अच्छा अरे खाना बनाना आ गया है, चलो, मुझे क्या काफी खिलाने अच्छा लग वाले रहा है। हो? मुझे क्या खिला रहे हो पहले यस बताओ। अरे मैम, अभी तो वैसे मेरे को वेजिटेबल्स में बना लेता हूँ, आलू गोभी की सब्जी ये सब बना लेता हूँ, और दाल बहुत अच्छी बना रहा हूँ। एंड मुझे नॉन वेज भी बनाना आता है, वेज भी बनाना आता है, दोनों आता है बनाना। वाह, तो टिप्स मम्मी से लेते हो फोन पे? मम्मा बताओ अब तड़का लगा दूं या जीरा डालूं या क्या, कैसे बोलते नहीं हो? मैं मतलब जब मैं घर पे था, जब मैं स्कूल टाइम में था, तो जब भी घर पे खाना बनता था तो मैं किचन में ऐसे खड़ा होकर देखता रहता था कि क्या हो रहा है, मतलब टमाटर कब डालना चाहिए, पहले तेल को गर्म करो फिर उसके ऊपर प्याज डालो, फिर कितना फ्राई करना है, वो सब तो सब कुछ सीख गया था एंड अब वो सब काम आ रहा है। हाँ मतलब अब ऐसा यस है कि मैम। जिस दिन मुझे पार्टी मनानी होगी आपके साथ, मैं आपको अपने ही घर पे बुला लेती हूँ और हम दोनों मिलकर यस खाना मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यस बनाएंगे। ओके अच्छा, अभी तो सेकंड सीजन भी आ रहा है, आई मीन नेक्स्ट सीजन मैम, भी, आईबीडी के, आईबीडी का यस नेक्स्ट मैम, सीजन जो आ रहा है, बहुत यस सारे बच्चे बहुत मेहनत करने वाले हैं, कोई टिप्स देना यस 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 चाहोगे बिल्कुल। उनको? यस मैम, इंडिया इज बेस्ट डांसर 2 आ रहा है एंड मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि मतलब नए नए बच्चे हैं, नए नए जो जिनका ड्रीम है, और इतने हार्ड टाइम है, मतलब जिस टाइम पे लोग मेंटली बहुत डाउन है, उस टाइम पे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दोबारा से मिल रहा है कि हम अपना टैलेंट शो करें। सो मैं उनको एक बेस्ट टिप देना चाहूंगा कि इस टाइम पे जो भी चल रहा है, आप लोग बस अपने डांसिंग पे फोकस करो, अपने म्यूजिक पे फोकस करो, और अच्छा सोचो कि आपको अभी जो भी हो रहा है उस पे ध्यान तो देना है कि फैमिली मेंबर आपके अच्छे रहे, आप सेफ रहो, बट आपको फोकस करना है कि आपका परफॉर्मेंस बेटर हो। आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, आप अभी सोच लो, जब आप घर में मिरर के आगे खड़े हो तो आपको सोचना है कि आप परफॉर्म के लिए रेडी हो, तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे। अगर माइंड में टेंशन होगा तो आपका स्टेज पे भी टेंशन ही दिखता है, तो इसलिए माइंड को फ्री रखो जितना हो सकता है, ताकि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकले और आप अपने ड्रीम को पूरा करो।
ओ लवली। अच्छा एक बात बताओ, आपने तो यस इतनी मैम इतनी पॉपुलैरिटी देखी और उसके बाद अब यस आपका मैम मुंबई आए हैं और अब आप अपना नया सफर शुरू कर रहे हैं। जब आप इतना परफॉर्म करके आते हैं, रियलिटी शोज जीत कर आते हैं, तो कितनी मदद मिलती है? यस मैम हाँ बहुत मदद मिलती है, क्योंकि जब हम रियलिटी शो एंड एक शो एंड लोगों के सामने पहुंच के आते हैं तो हमेशा कोई ना कोई जो हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज भेजते हैं कि सर आप ठीक हो ना इस टाइम पे, सर आप अच्छे रहो, हमारी यही दुआ है। तो उससे अच्छा तो मैम कुछ लगता नहीं है कि यार हम लोग यहाँ पे हैं एंड पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितने लोग हमें फॉलो करते हैं जो प्यार देते हैं वो हमारे लिए सोच रहे हैं इस टाइम पे भी, जिस टाइम पे उनको अपनी फैमिली के लिए सोचना चाहिए वो हमें भी एज अ फैमिली सोच के हमारे लिए सोचते हैं कि आप ठीक हो ना सर, हमारी दुआ है आप ठीक रहो। तो बहुत अच्छा लगता है। एंड मैंने अभी काफी हार्ड मतलब ऐसा है कि लोगों ने फिर मैंने एक मैसेज डाला था इंस्टाग्राम के पे कि मतलब अगर किसी को भी हेल्प चाहिए जितना मैसेज हो सकता है मैं करूंगा। सो कुछ बच्चों ने बोला सर मेरे को ऐसे हेल्प चाहिए, हमारी स्टोरी डाल दो अपने इंस्टाग्राम पे। फिर मैंने रात रात को 2-2 बजे तक जग के सबका मैसेज पढ़ा एंड उनके मैसेज को रिपोस्ट करा एंड जितना हो सकता था मेरे से किसी को जितना भी पैसा मैं दे सकता था जितना पास मेरे कंफर्ट जोन में था कि किसी को 5,000 किसी को 2,000 ऐसे किसी को 1,000 रुपीज ऐसे मैंने शेयर किया। और जब मैंने मदद किया ना मैम तो मेरे को जो हैप्पीनेस मिला शायद वो कभी नहीं मिला मुझे। ओ गॉड, उम्र क्या है आपकी? 22 22 की उम्र में? वाओ, आई शुड से यस आपको मैम थैंक बहुत दुआएं लगेंगी। आई मीन बहुत यू मैम बहुत अच्छा काम किया। किसने इंस्पायर किया? मम्मा से सीखा ये लोगों की मदद करना? क्या अकेले रह गए आपको समझ में आया कि मदद करना बहुत जरूरी होता है? यस मैम कि मतलब जब मैं आईबीडी जीता था तो मेरे पास प्राइज मनी आया था एंड जब प्राइज मनी आया तो सबसे पहले मैंने घर वालों की मदद करी, उनका जितना कर्जा था मैंने सब बोला कि आप लोगों जितना भी कर्जा है आप कुछ मत सोचो, बस आप दे दो, आप टेंशन फ्री रहो, आप लोग खुश रहो, बस मेरा यही कहना था कि आप लोग खुश रहो। मेरे को इतना पैसा मेरे को मतलब बस मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए म्यूजिक इंपॉर्टेंट है कि अच्छा स्पीकर मेरे पास हो, मेरे लिए फोन इंपॉर्टेंट है कि लोग मैं अपना अपने आप को अच्छा फोन में स्क्रीन में दिखा पाऊँ। सो मैंने ये चीजें खरीदी एंड जितना भी घर वालों का टेंशन था मैंने वो दूर किया। और फिर भाई को अपने फैमिली मेंबर से पूछा आपको कुछ मदद चाहिए हेल्प चाहिए, जो भी मैं कॉल करते थे प्लीज आप दिल खोल के बोलिए। सो वो एक जो इंस्पायरिंग चीज थी वो अंदर से आई अपने आप ऑटोमेटिकली कि यार आपको मदद करनी चाहिए जब लोग इतने परेशान हैं कि आप 500-1,000 रुपए ऐसी किसी चीज के लिए खत्म कर देते हो बट आप 500-1,000 रुपए किसी की मदद कर रहे हो तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो चीज समझ आई कि मेरे को कि मैं एक इंसान के लिए पैसों की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। ओ गॉड, आपने तो मतलब दिल को छू लेने वाली बात कर दी। आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे इस विषय पे बात कर रही हूँ। यस मैम वेरी गुड। चलिए अब एट द सेम टाइम मुझे ये बताइए, पूरा पैंडेमिक चल रहा है, ऑनलाइन आप लोगों से मिलते रहते हैं, क्या आप उनको यस मैम सिखाते भी हैं? क्या आप कोई स्टेप्स भी सिखा रहे हैं? टीचिंग भी शुरू है आपका? मैम मैं अभी इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालता रहता हूँ नए, अपना जो डांसिंग करता हूँ जो प्रैक्टिस करता हूँ ताकि लोग मोटिवेट हो इस टाइम पे भी देख के कि हाँ एक शो जीतने के बाद भी लड़का दोबारा से प्रैक्टिस कर रहा है ट्रेनिंग कर रहा है सेम वे में, तो वो लोग वो चीज लोगों को इंस्पायर करे कि ट्रेनिंग कभी मत छोड़ो, एट द एंड आपका बस ट्रेनिंग काम आना है क्योंकि नेम फेम सब कुछ मिल जाता है वो आप गेन कर लोगे बट आप अपना टैलेंट ग्रो कम टाइम में नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको साल लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे आपका डांसिंग ग्रो करने में। नेम फेम आप 1 मंथ में क्या आज रातों रात लोग स्टार बन रहे हैं बट आप रातों रात अपना डांसिंग ग्रो नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपको हर दिन टाइम देना पड़ेगा।